गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आदाब, वेलकम, स्वागतम। जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चे लोग कि 11th का फर्स्ट चैप्टर का हम लोग दो लेक्चर कर चुके हैं, जिनमें से हम लोगों ने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए थे। और हम लोगों ने देखा था कि ये दोनों टॉपिक्स डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। कहने का मतलब ये दोनों कैरेक्टर्स सभी जिंदा जीवों पर अप्लाई नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अब कौन सा प्रॉपर्टी है जो जिंदा जीवों पर अप्लाई होता है या जिंदा जीवों का कैरेक्टर्स है। यस, माय नेम इज़ एमडी नजमुल हुदा एंड वेलकम टू आवर चैनल्स बायो टू बायो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक्स होगा, आज का वो टॉपिक होगा मेटाबॉलिज्म होगा, कॉन्शियसनेस होगा और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म, अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। कुछ बच्चे तो जानते हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। इनको हिंदी में उपापचयन या अपचयन इस तरीके का कुछ कहता है। आइए मेटाबॉलिज्म को जानते हैं। तो बेटा मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस का मतलब होता है रासायनिक प्रक्रिया है जो जिंदा जीवों के अंदर ही होता है, मरे हुए जीवों के अंदर कभी नहीं होता है। जिंदा जीवों के अंदर कहां पर होता है? सेल होता है। आप सब जानते हैं कि जितना भी जिंदा जीव है वो कहीं ना कहीं कोशिका से बना हुआ है। ये अलग बात है कि एक सेल से बना हुआ होता है कुछ जीव, जिनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जो बहुत सारे कोशिकाओं से बना हुआ होता है उन्हें हम लोग बहुत कोशिकीय जीव कहते हैं या मल्टी सेलुलर कहते हैं। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है एक्चुअली, इस चीज़ को अगर हम लोग देखेंगे तो जितने भी जिंदा जीव हैं वो कहीं ना कहीं पोषण करते हैं जीने के लिए। अगर वो खाना ही नहीं खाएगा तो मर जाएगा। हम लोग जिंदा कैसे हैं? खाना पीना करते हैं, इसीलिए खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, दैट्स इट। तो जिंदा रहने के लिए हम लोग खाना पीना करते हैं, ठीक है, ये पोषण प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं। तो जितना दुनिया में जिंदा जीव है वो लोग क्या करते हैं? पोषण करते हैं। अब ये पोषण जा करके उनके बॉडी में क्या करते हैं नहीं करते हैं, उन्हीं प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। तो मेटाबॉलिज्म का सिंपल मतलब ये होता है कि सेल के अंदर होने वाले एक्टिविटी या रिएक्शन को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। यानी कोई कोशिका है उसके अंदर जो भी एक्टिविटी होगा उन्हें क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में लिख के बताया है, आइए यहाँ पे देखते हैं कि यह एक केमिकल प्रोसेस है जो सेल के अंदर चलते रहता है। मतलब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सेल के अंदर चलते रहता है, अभी भी चल रहा है। आप सोए रहते हैं तभी भी चल रहा है, कोई चल रहा है तो भी चलते रहता है। तो ये प्रोसेस चलते रहता है। अब आइए इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में सेल के अंदर अलग अलग फूड कंपोनेंट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग को जब भूख लगता है तो खाना खाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप खाना क्यों खाते हैं, तो आपका दो जवाब हो सकता है। एक तो ये कि जिंदा रहने के लिए। आप जिंदा कैसे रह सकते हैं? आपको एनर्जी मिलेगा तब तो, यानी फूड में क्या है? एनर्जी भरा हुआ है। इसका मतलब हम लोग एनर्जी ऑब्टेन, फूड से हम लोग एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं, यानी खाना से हम लोग क्या ले रहे हैं? एनर्जी ले रहे हैं। तो मेटाबॉलिज्म वही है, खाना लिए, खाना लेने के बाद वो खाना को किस में बदलेगा? एनर्जी में बदलेगा। तो वही वाला बात है कि इस प्रोसेस में सेल के अंदर अलग अलग फूड कंपोनेंट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी मेटाबॉलिज्म जितना भी दुनिया में जीव हैं उनके ऊपर ये अप्लाई हो जाता है। कोई भी जीव बिना खाए पिए रह नहीं सकता है, ठीक है, जिंदा खाएगा खाएगा भी पिएगा भी, ठीक है। तो ये खाना पीना जो भी उनके सेल के अंदर हो रहे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं उसी चीज़ को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया में सभी जीवों में मेटाबॉलिज्म होगा क्योंकि जिंदा उन्हें पोषण लेना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये आपका हो गया। अब आप मेटाबॉलिज्म जो है ना, इनके टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक क्या है? एनाबॉलिज्म, और एक क्या है? एनाबॉलिज्म किसे कहते हैं और कैटाबॉलिज्म किसे कहते हैं? एक सेकंड बच्चा, एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हाँ तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो
तो फिर भी हम लोग सीख लेते हैं कि एनाबोलिज्म क्या होता है और कैटाबोलिज्म क्या होता है। हालांकि ये केमिस्ट्री का टॉपिक्स है और आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो है केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, लेकिन बायोलॉजी के अंदर भी उनका कुछ कुछ हिस्सा या कुछ कुछ पार्ट हैं, हम लोग को समझने की इनको ज़रूरत है। एनाबोलिज्म किसको कहते हैं? तो एनाबोलिज्म क्या है? मेटाबोलिज्म का ही एक टाइप है, जिसमें कई सारे छोटे छोटे पदार्थ मिल करके एक पदार्थ बनता है। अब इनका मिसाल आप समझ लीजिए, आप मार्केट में चीनी देख लीजिए, चीनी है ना जी, तो बहुत सारे चीनी को अगर मिला दीजिएगा तो वो मिश्री बन जाएगा। मिश्री समझते हैं आप लोग, कैन शुगर, शुगर कैन, वो ठीक है, चीनी का ही एक ही होता है। तो इसी तरीके से कहने का मतलब है कि छोटे छोटे अगर कोई पदार्थ है तो ये अगर छोटे छोटे पदार्थ मिल करके कोई एक बड़ा सा पदार्थ बना देता है तो उसी को हम लोग एनाबोलिज्म कहते हैं। एनाबोलिज्म का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप लोग कि एनाबोलिज्म एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंतर्गत कई सारे छोटे छोटे पदार्थ मिल करके आपस में मिल करके बड़ा पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म कहते हैं। कैटाबोलिज्म का डेफिनेशन क्या है? जस्ट इसका उल्टा। जस्ट इसका उल्टा का मतलब ये है कि कोई एक बड़ा पदार्थ होगा इसमें और वो बड़ा पदार्थ क्या होगा, छोटे छोटे पदार्थ में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसका भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि वैसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें कोई एक पदार्थ कई सारे छोटे छोटे पदार्थों में डिवाइड हो जाता है या बट जाता है या बदल जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? कैटाबोलिज्म। इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिख सकते हैं एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म का, द केमिकल रिएक्शन इन विच स्मॉल मैटर्स आर कंबाइंड टू ईच अदर एंड फॉर्म्ड लार्ज मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड एनाबोलिज्म। एंड द कैटाबोलिज्म इज द अनदर केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटाबोलिज्म इन विच द लार्ज सब्सटेंस आर डिवाइड और ब्रेक डाउन इन टू स्मॉल सब्सटेंस आर कॉल्ड कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म का भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दिया। सबसे अहम बात यह है कि इसका जो है ये वाला बात आप लोग याद रखिएगा कि मेटाबोलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, यानी कहने का मतलब ये सभी जिंदा जीवों पर अप्लाई होता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा कॉन्शियसनेस, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए मुझे लगता है, हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो चलिएगा, कॉन्शियसनेस हमारा आ चुका है यह टॉपिक्स। कॉन्शियसनेस किसको कहते हैं? अगर मैं इसको हम लोग को समझ में आ जाए तो हम लोग इसको आसानी से, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग कर सकते हैं। बेटा कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, एक आम भाषा में इसको मैं कहता हूँ, फीलिंग्स। फीलिंग्स का मतलब होता है महसूस करना। अब जब महसूस कीजिएगा तो उसके प्रति क्या कीजिएगा, रिस्पॉन्स कीजिएगा। तो ये कॉन्शियसनेस यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जितना भी दुनिया में जिंदा जीव है वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के प्रति या पर्यावरण के प्रति क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो जीवों के अंदर एक गुण दिया है, जो जिंदा के अंदर एक गुण होता है कॉन्शियसनेस का, और ये कॉन्शियसनेस ये दर्शाता है कि जितना भी जीव है वो पर्यावरण के प्रति या वातावरण के प्रति क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। आप सो रहे हैं, आपको होशो हवास नहीं है, आपको कोई ठंडा है, ठीक है, तो आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा कि यार कोई ठंडा चीज़ मेरे बॉडी में लग रहा है आ गया, ये आपके अंदर महसूस करने की सलाहियत होती है। सिमिलरली आप देखे होंगे कि सीजन कोई कोई पेड़ पौधे का पत्ता ख़त्म हो जाता है, कोई कोई पेड़ पौधे का फूल ख़त्म हो जाता है, मतलब रिस्पॉन्स करने का आपका मेथड्स है, उन्हीं को कॉन्शियसनेस कहते हैं। और ये कॉन्शियसनेस भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि दुनिया में जितना भी जीव है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स करता है इन्वायरमेंट के प्रति, ठीक है। एक छोटा सा अमीबा को ले लीजिएगा, अगर आप एक छोटा सा अमीबा आप पढ़ते आ रहे हैं, ये भी रिस्पॉन्स करता है। कैसे रिस्पॉन्स करता है? आप जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये क्या, अगर इसको कोई प्रीडेटर यानी कोई शिकारी शिकार करने के लिए इसको आएगा तो ये क्या करेगा, महसूस हो जाएगा। इसको महसूस का मतलब आप समझ गए ना, तो ये क्या करेगा, अपने आप को बचाने के लिए इनके ऊपर क्या लगा देता है, ये अपना
चादर लगा देता है। इन चादर को सिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? इन चादर को सिस्ट बोला जाता है। तो कहने का मतलब करना या फीलिंग्स जितना भी जिंदा जीव है उनके अंदर होती है, ये अलग बात है कि ह्यूमन एकमात्र, इनका एग्जांपल एक तो है कि ह्यूमन मात्र एक ऐसा प्राणी है जिनके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, मतलब खुद का अपना। ये ह्यूमन को दुख भी होता है और खुशी भी होता है, हैप्पी एंड सैड, ये दोनों, ठीक है। पेड़ पौधा तो बेचारा बोल नहीं सकता है। तो कहने का मतलब इजहार करने का जो आपका सलाहियत है वो है मनुष्य के पास है, पेड़ पौधे के पास नहीं होता है। हाँ, वो भी बताते हैं लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी देखिएगा पेड़ पौधा सूख जाता है, ये कहने की बात है, बुजुर्गों का कहना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सही है, इसीलिए इन्होंने कहा। तो कॉन्शियसनेस का एक ही बात याद रखिएगा आप कि कॉन्शियसनेस एक क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसके बारे में और ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। यानी कहने का मतलब जितना भी दुनिया में जिंदा जीव है उनके अंदर फीलिंग्स होता है, वो पर्यावरण के प्रति क्या करता है, वातावरण के प्रति रिस्पॉन्स करता है। ये आपका कॉन्शियसनेस था। अब अगला हम लोग का टॉपिक होगा सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग देते हैं, छोटू सा स्क्रीन शॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। तो अगला हमारा टॉपिक जो है वो सेलुलर है। आइए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसका हिंदी होता है कोशिकीय संगठन। आप सब जानते हैं कि दुनिया में जितना भी जीव है, जो जिंदा जीव है, वो कहीं ना कहीं कोशिका से बना हुआ होता है। अब कोशिका दो तरीके का होता है, जिंदा और मुर्दा। जिनका कोशिका मुर्दा है वो मरा हुआ, जिनका कोशिका जिंदा है वो जिंदा। अब ये जिंदा कैसे है तो मैंने आपको कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया। देखिए, एक पेड़ पौधा जब मर जाता है, यानी लकड़ी काट देते हैं, या एक इंसान मर जाता है, एक एनिमल मर जाता है, तो उसके अंदर जो सेल होता है या वो जो सेल से बना होता है उसका सेल काम करना बंद कर देता है, यानी उसका सेल डेड हो चुका होता है। और आप जानते हैं कि कोई भी मरा हुआ चीज़ काम नहीं कर सकता है। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है? तो इसका मतलब यहाँ पे ये सेंस करना है आपको कि दुनिया में जितने भी जिंदा जीव हैं वो कहीं ना कहीं कोशिका से बना हुआ है। वो कहीं ना कहीं किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। इसका क्वेश्चन है, एक चीज़ आप जानते हैं शायद, नाम तो आप सुने होंगे, वायरस। और अभी कुछ महीने पहले एक वायरस आया था, आप जानते हैं कोरोना वायरस। तो इस वायरस का जो बॉडी होता है वो सेल से नहीं बना हुआ होता है, बल्कि इनका बॉडी जो होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। बस यही एक एक्सेप्शन है। स्टेरॉइड्स है, आप पढ़िएगा, आगे चल के पढ़ाएंगे हम। तो कहने का मतलब दुनिया में जितना भी जिंदा जीव है उनका शरीर, उनका बॉडी किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। अगर सिंगल सेल से बना हुआ है तो वैसे जीव को हम लोग यूनिसेलुलर कहेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा सेल से बना हुआ है, यानी मल्टी अगर सेल से बना हुआ है, तो उनको मल्टीसेलुलर कहेंगे। बहुकोशिकीय जीव, एक कोशिका से बने हुए जीव को एक कोशिकीय जीव, कोशिका से मिलकर बने हुए जीव को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। सिंगल सेल का आप एग्जांपल जानते हैं, अमीबा हो जाएगा, ठीक है, पैरामाशियम हो जाएगा, बहुत सारा है, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ईस्ट, ठीक। ये सारे के सारे ऐसे जीव हैं जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। एक क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। यही बात आपको याद रखना है। अब मैं इनका शॉर्ट आउट कर देता हूँ। ये जितना भी कैरेक्टर्स था, ये कैरेक्टर्स मैंने बता दिया आप लोग को कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक ही जीव पर अप्लाई नहीं होता है, वो है वायरस। हालांकि वो जिंदा है, फिर भी इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के अंतर्गत रखा गया है। अब मैं समराइज कर देता हूँ, जितना कैरेक्टर था उन कैरेक्टर का नाम लिखूंगा और उनके सामने कौन डिफाइनिंग है और कौन नॉट डिफाइनिंग है, आप छोटू सा एक लिस्ट बना लीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। सो
सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आपका लिस्ट आ चुका है। यहाँ पे एक तरफ मैंने लिखा है कैरेक्टर्स, जिंदा जीवों का जो कैरेक्टर्स होता है वो कैरेक्टर्स। यहाँ पे मैंने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिख दिया है कि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है अथवा नहीं है। तो इस लिस्ट से एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट आप लोग लिख लीजिएगा इसको, इम्पोर्टेंट लिस्ट है, इम्पोर्टेंट टेबल है, ये आप कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट टेबल, यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है आपका नीट इंट्रांस में, बड़े बड़े मेडिकल में पूछा जाता है। तो बेटा कैरेक्टर्स में यहाँ पे सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है ग्रोथ। ग्रोथ जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, वृद्धि। अगर सिर्फ ग्रोथ पूछता है तो उसमें आंसर कीजिएगा कि नॉट, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अगर अलग से पूछता है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ है, तो इंट्रिंसिक ग्रोथ कैसा ग्रोथ है, ये क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है अथवा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी सभी जीवों में, सभी जिंदा जीवों में इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। रिप्रोडक्शन ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है, आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो बच्चे पैदा नहीं करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो जिंदा है। मेटाबॉलिज्म मैंने आपको डिस्कस कर लिया आज ही की क्लास में, यह डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है यस। कॉन्शियसनेस ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, इसमें भी यस। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब, और फ्रेंड्स सबके बीच या ग्रुप्स में लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी 11th का जो ये बैच स्टार्ट हुआ है इनसे वो फ़ायदा उठा सके। और दोस्त इनसे बहुत जल्दी टेस्ट लिया जाएगा, MCQ कराया जाएगा कि आपने 3 लेक्चर से क्या क्या सीखा, कौन कौन सी बातें सीखी, उनका टेस्ट होगा, बहुत जल्दी होगा। आपको बोर्ड में ही टेस्ट लिया जाएगा, आप सिर्फ टिक करेंगे, आंसर कीजिएगा, खाली कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं लाइव आ सकूँ और आप लोग के सामने जो है अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करके दिखाऊं और अच्छे एजुकेशन दे पाऊं आप लोग को। मेरी आप लोगों से यही उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बेस्ट ऑफ लक।